शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोमिनपुरा में शुरू महानगर पालिका के अधिकतर कत्लखाने से एक व्यक्ति ने मास्क ले जाकर पार्टी दी और 200 लोगों को कोरोना संक्रमित कर दिया। सवाल यह है कि जब मोमिनपुरा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित है, इस मुद्दे पर नगर सेवक दयाशंकर तिवारी ने मनपा आयुक्त मुंडे पर तीखे सवाल दागे हैं। मोमिनपुरा में शुरू महानगर पालिका के अधिकृत कत्लखाने से एक व्यक्ति ने मास्क ले जाकर पार्टी दी और 200 लोगों को कोरोना संक्रमित कर दिया। सवाल यह है कि जब मोमिनपुरा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित है, यह स्थित गड्डी गोदाम के साथ ही वहां का कत्लखाना बंद कर दिया था, तो मोमिनपुरा में क्यों शुरू है? नागपुर शहर में पिछले 2-3 दिन में कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट में जो उछाल आया है वो इतना भयंकर है कि हम 8वां शतक छू रहे हैं, और इन सारी चीज़ों के कारण महानगर पालिका की व्यवस्थाओं पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। मैं आज के प्रसंग पर पहला अभिनंदन करना चाहूँगा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस का, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में नागपुर शहर के GMC और IGMC दोनों दवाखानों को इतने बड़े प्रमाण में राशि उपलब्ध करा करके दी कि वे आधुनिक बन सके, तंत्र सुसज्ज बन सके, जिसके कारण इस बीमारी से लड़ने में दोनों हॉस्पिटल की यंत्रणाओं का बड़ा फायदा मिल रहा है। पूरे देश में सबसे कम मृत्यु दर अगर नागपुर शहर का है तो इसका श्रेय लेने की कोशिश भले महानगर पालिका करे, लेकिन इसका असली श्रेय उन डॉक्टरों की टीम को है और उस मेडिकल सुविधाओं को है जिसने यह वातावरण मेडिकल के क्षेत्र में उपलब्ध करा करके दिया, जिससे मृत्यु दर कम हुआ है। मैं मेडिकल की टीम को, दोनों कॉलेज के डीन को, वहाँ के डॉक्टर्स को, वहाँ के साथी कर्मचारियों की टीम का अभिनंदन करना चाहता हूँ, पुलिस आयुक्त जी का, कलेक्टर साहब का अभिनंदन करना चाहता हूँ, महानगर पालिका के समस्त कर्मचारियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। इन सभी के संयुक्त प्रयासों से यह सब हुआ, लेकिन मृत्यु दर अगर कम हुई है तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो केवल और केवल हमारी मेडिकल की टीम को जाता है, यह कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। बुधवार को नगर सेवक दयाशंकर तिवारी ने इस बारे में मनपा आयुक्त मुंडे पर कई तीखे सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं मनपा के डॉक्टर घंटावार का यह दावा है कि बांग्लादेश और नायकतालाब परिसर में कोरोना ब्लास्ट के जिम्मेदार युवक ने 200 लोगों को संक्रमित कर दिया। उसने मोमिनपुरा से मटन खरीदा था। मनपा के डॉक्टर भी स्वयं इस स्लॉटर हाउस में मौजूद रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम मांस बिक्री का विरोध नहीं करते, लेकिन यदि यह कत्लखाना जारी रहा तो पूरे शहर को कोरोना संक्रमित करने का असली जिम्मेदार कौन होगा? एक बात का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ कि अनेक बार नेशनल मीडिया पर नागपुर शहर का, नागपुर महानगर पालिका का नाम सामने आया, कभी सतरंजीपुरा की लंबी चैन को लेकर के नाम सामने आया, कभी 5000 बेड के दवाखानों को लेकर के आया, तो कहीं वर्तमान में बांग्लादेश को लेकर के आया। मैं 3 दिन पहले मीडिया के साथ में बैठ करके मैं अपने घर में टीवी के चैनल पर देख रहा था, मैंने न्यूज़ चैनल चालू किया तो उसमें नागपुर की एक घटना आई कि नागपुर शहर के झोपड़पट्टी में रहने वाला एक व्यक्ति लॉकडाउन की पार्टी मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठा तो 70 लोग संक्रमित हो गए। मैं भ्रमित हो गया कि झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति पार्टी मना रहा है और 70 लोग संक्रमित हो रहे हैं, ये कैसे हो गया करके, तो मैंने संबंधित न्यूज़ चैनल के नागपुर के ब्यूरो से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई नागपुर महानगर पालिका के डॉक्टर घंटावार जी ने उन्हें वक्तव्य दिया है, उनका वक्तव्य मैंने सुना, उनके वक्तव्य में उन्होंने कहा है, चैनल वाले ने तो यह नहीं कहा कि वो मोमिनपुरा मांस लेने गया था, उसने कहा कि एक अति ज़्यादा संक्रमित इलाके में वो मांस खरीदने गया था, लेकिन डॉक्टर घंटावार ने खुले रूप से कहा कि मोमिनपुरा में वह मांस खरीदने के लिए गया था जिसके कारण संक्रमण फैला और 70 लोग संक्रमित हो गए। मैं अभिनंदन करना चाहूँगा डॉक्टर घंटावार जी का कि डॉक्टर घंटावार जी ने भले ही उस चैनल के माध्यम से बताया लेकिन नागपुर शहर की जनता को बताया कि मोमिनपुरा में मांस बिक रहा है। मोमिनपुरा में मांस बिक रहा है इस बात को प्रशासन के बड़े अधिकारी ने स्वीकृत किया, इसलिए स्वीकृत किया कि खरीद के ले गया, इसका मतलब बिक रहा था तभी खरीद के ले गया। एक व्यक्ति अगर चोरी छिपे मांस बेचे तो समझ में आता है कि भाई प्रशासन का ध्यान ना जाए। मैं जब यह जांच करने के लिए गया कि क्या मोमिनपुरा में मांस बिक रहा है तो वह खुलेआम मांस बिक रहा था और शासन के सहयोग से, महानगर पालिका प्रशासन के सहयोग से मांस बेच रहा था, ये कहने में मैं किसी प्रकार की रंजिश, कोई प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं महसूस करता। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।